सी वर्मा के फुल सॉल्यूशन में आप लोगों को लगातार दिए जा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन छोड़े बगैर। यदि आपको पूरी एच सी वर्मा करनी है तो सीक्वेंस में देखते हुए चले आओ, एक साल के अंदर अंदर, लगभग 10 महीने के अंदर अंदर दोनों पार्ट करा दूंगा। तभी मैंने दोनों पार्ट एक साथ स्टार्ट कर रखे हैं, जिससे भैया 11th वाले भी फायदा उठा ले, 12th वाले भी बेनिफिट उठा ले। ऐसा ना हो कि 11th वालों का काम हो गया 12th का नहीं, या 12th का हो गया 11th का नहीं। चलिए मेरे बेटा, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कवर कर लिया था आई थिंक क्वेश्चन नंबर 26। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस क्यू एंड टू क्यू आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस स्मूथ टेबल, फ्रिक्शन नहीं है, विद अ सेपरेशन डी, उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है डी, थोड़ा और दूर बना दो, ये रहा, ये टू क्यू, उनके बीच का सेपरेशन है डी, ये है चार्ज ए, ये है चार्ज बी, एक है क्यू दूसरा है टू क्यू, सेपरेशन है डी 27 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि बीच में तीसरा चार्ज क्लैंप कर दो सी, तीसरा चार्ज कहीं भी क्लैंप कर दो, हमें उससे मतलब नहीं, क्लैंप कर दो, तो बताओ इसका साइन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कितने मैग्नीट्यूड का हो, और पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे कि ए और बी रेस्ट पर बने रहे। देख, सी को तो आपने क्लैंप कर दिया, तो सी तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता, सी नहीं हिलने का, लेकिन ए और बी तो हिल सकते हैं, तो ऐसा चार्ज चुनना पड़ेगा कि ए और बी भी अपनी जगह से ना हिले। तो मान लो बेटा तीसरे चार्ज को मैंने यहां से x डिस्टेंस पर रखा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d माइनस एक्स, डी माइनस एक्स। अब गौर से सुन मेरी बात, c वाला तो हिल सकता ही नहीं, क्लैंप है, a और b तो क्लैंप नहीं है, वो तो फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखे हैं, वो तो रिपल्सर वगैरह से भाग सकते हैं, अट्रैक्शन से आ सकते हैं। तो मुझे यहां का चार्ज बताना है q, पहले ही बता दूं एक बात, यदि ये दोनों प्लस है तो बीच में माइनस चार्ज लेना पड़ेगा, और दो माइनस है तो बीच में प्लस लेना पड़ेगा, एक बात बताओ। रेस्ट के लिए मान लो बेटा ये दो प्लस है, बीच में भी प्लस रख दिया, तो इस वाले की रुकने की कोई पॉसिबिलिटी है, इसे ये वाला प्लस भी रिपेल कर रहा है और ये प्लस भी रिपेल कर रहा है, तो ये कैसे रुक जाएगा। लेकिन यदि ये माइनस है तो प्लस को माइनस, बीच वाला माइनस अट्रैक्ट करेगा इसे, और लास्ट वाला प्लस इसे रिपेल करेगा, तो रुकने की प्रोबेबिलिटी तभी बनेगी जब ये बीच वाला साइड बाकी किनारे वाले दोनों से अपोजिट हो। दो प्लस है तो बीच में माइनस होना चाहिए, और दो माइनस है तो बीच में प्लस होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ढूंढ लिया साइन, वो है नेगेटिव, तीसरे चार्ज का साइन नेगेटिव है, जिसे मैंने कैपिटल क्यू मान लिया है। दूसरा, अब नेगेटिव तो हो गया, अब मुझे एक तो एक्स बताना है कि इसकी पोजीशन क्या हो, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड बताना है कैपिटल क्यू क्या हो। चलिए जी, तो मेरे बेटा सबसे पहले दो इक्वेशन बनाई जाए। पहले बताओ इस वाले चार्ज पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इस पर माइनस क्यू का अट्रैक्शन और इस पर टू क्यू का रिपल्सर, वो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। तो इस पर माइनस क्यू का अट्रैक्शन 1/4πε0q(q)/x2। देख, मैंने पहले ही बताया है, फॉर्मूला लगाते समय प्लस माइनस नहीं रखते फोर्स के फॉर्मूले में या फील्ड के फॉर्मूले में, प्लस और माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की। लेकिन यदि स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला हो, जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, उनमें तो डायरेक्शन नहीं होती, तो उसमें यदि माइनस चार्ज होता है तो माइनस रखते हैं। तो खैर, यहां मुझे माइनस नहीं रखना है, दोनों के बीच का अट्रैक्शन ये रहा। अब इसका और इसका रिपल्सन 1/4πε0q(2q)/d2। भाई पहला चार्ज है q, दूसरा है 2q, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d2। ये दोनों अपोजिट तो है ही, इक्वल भी होने चाहिए। तो 1/4πε0 कट गया, q से q कट गया, और एक इक्वेशन मिल गई q/x2=2q/d2। ठीक बेटा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन, ये रेस्ट पर आ गया, इसको मत देखना, ये तो बना हुआ है, ये नहीं हिलने का। इस पर भी दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए, इस पर माइनस क्यू का अट्रैक्शन, यानी कि 1/4πε0q(2q)/d-x2। भाई किसने फोर्स लगाया है, माइनस क्यू ने, माइनस तो लिखना नहीं, दूसरे किस पर लगाया, टू क्यू पर, और दोनों की डिस्टेंस क्या थी, d-x, ये अट्रैक्शन हुआ। टू क्यू पर क्यू का रिपल्जन
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू 2 q अपॉन d स्क्वायर, पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज 2q, दोनों के बीच की डिस्टेंस d। ये दोनों अपोजिट भी हैं, इक्वल भी हैं, ये कट गया 2q से 2q कट गया और मेरे पास रह गया q अपॉन d माइनस x, q अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन d स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करो बेटा, इन दोनों को सॉल्व करना है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालना है, दोनों को उठा के डिवाइड कर दो। जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे लेफ्ट साइड, तो q अपॉन x स्क्वायर को q अपॉन d माइनस x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो d माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर बचेगा, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे 2q upon d square divided by q upon d square तो 2 बचेगा, तो इससे आ जाएगा d minus x का whole square is equal to 2x square, जो बनेगा under root ले लो d minus x is equal to root 2x, तो d is equal to हो जाएगा x common root 2 plus 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी d upon root 2 plus 1, rationalize कर ले, d upon root 2 plus 1 तो आ गया है, नीचे भी रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो रह जाएगा d रूट टू माइनस वन, यही आंसर है। डिनोमिनेटर का क्या हुआ, a प्लस b, a माइनस b, रूट टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो टू माइनस वन तो वन हो गया। तो ये तो है पोजीशन, तो मुझसे पूछे कहां रखा जाए, तो पोजीशन मिल गई कि स्मॉल चार्ज से x डिस्टेंस पर रखा जाए जहां x की वैल्यू है d रूट टू माइनस वन। अब आता है तीसरा पार्ट कि मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, तो भैया x की वैल्यू किसी में भी रख दे, फर्स्ट में रख दे या सेकंड में, सेकंड में जरा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी, फर्स्ट में रख दे x की वैल्यू भी, तो d माइनस x निकालना पड़ेगा। पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुटने पर q अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू अपॉन डी स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया है डी रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा जो कट रहा है काट दे, डी स्क्वायर से तो डी स्क्वायर कट गया, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट टू माइनस वन का स्क्वायर क्यू, आखिरी स्टेप 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी क्यू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया तो 2 प्लस 1 बन जाता है बेटा 3 और ये आ गया हमारा 6 माइनस 4 रूट 2 क्यू, ये है मैग्नीट्यूड। लेकिन ध्यान रहे ये तो मैग्नीट्यूड है, माइनस प्लस जब आपने फॉर्मूले में नहीं रखा तो आंसर में भी नहीं आएगा, माइनस अलग से लगाना पड़ेगा। तो आंसर आपसे पूछेंगे चार्ज कितना होना चाहिए, तो माइनस लगा करके तब बताओगे कि भाई ये चार्ज इतना होना चाहिए, माइनस 6 माइनस 4 रूट। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए भाई क्या कहते हैं, क्या निकलवाते हैं ये भाई वर्मा जी की एक खास बात है, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, तभी इस बुक का नाम कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स रखा है, इसमें टिपिकल के चक्कर में नहीं पड़े, कंसेप्ट के चक्कर में पड़े। 28 टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के दोनों तरफ आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल बांध दिए गए, ऑब्वियसली ये रिपेल करेंगे, यदि ये रिपेल करेंगे तो स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगी, और जब ये स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच जाएगी क्यों, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सर। मान लो ये एक्स खिंच गई, एक्स खिंच गई तो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा के एक्स, एक्स इलोंगेशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजिशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होंगे, वहां जाकर के ये रुकेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में। तो ये कह रहे हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्प्रिंग का 100 न्यूटन पर मीटर है जी, और क्या कह रहे हैं कि बेटा चार्ज 2 इंटू 10 रेस पर मीटा मीटा सा हो रहा है, माइनस 2 कूलम है या माइनस 3 कूलम है, मैं कुछ भी लिख देता हूं, मैथड ही तो सिखाना है, मुझे पढ़ने में आ रहा है 2 इंटू 10 रेस पर माइनस, पता नहीं माइनस 2 इंटू 10 रेस पर माइनस, मैं खाली छोड़ देता हूं कूलम, आप लिख लेना शीट बुक में से देखते। ये चार्ज है तो वो कह रहे हैं एक्सटेंशन बताओ, तो भाई एक बात होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन
एल स्क्वायर, जहां एल क्या है स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, वो भी दी हुई है क्या, देनी चाहिए। नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर है, तो वो भी दे रखी है। तो 1/4π0 q1 q2 तो हो गया q स्क्वायर और डिस्टेंस हो गई l स्क्वायर इज इक्वल टू kx। तो x बताना है। अब जरा मैं देखूं हमें क्या-क्या दिया हुआ है। चार्ज दे रखा है भाई, मुझे तो पावर नहीं दिख रही, आप तो रख दोगे। लेंथ यानी कि चार्जेस की सेपरेशन दे रखी है 1/4π0 मालूम है 9 × 10⁹। के स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी 100 दे रखा है। एक्स निकलवाया है तो एक्स आ जाएगा, इलोंगेशन आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा एज्यूम दैट एक्सटेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू नेचुरल लेंथ। जो ये एक्सटेंशन है वो नेचुरल लेंथ के सामने बहुत नेग्लिजिबल है, बता दिया। अब वो पूछ रहे हैं जस्टिफाई दिस अजम्पशन आफ्टर यू सॉल्व द न्यूमेरिकल। जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो ये चीज बताओ कि एक्सटेंशन बहुत कम है, क्यों कहा। एक बात सुन, आपने चार्जेस की सेपरेशन क्या रखी, आपने स्प्रिंग की लेंथ के बराबर रखी। यदि स्प्रिंग बहुत ज्यादा खिंच गई तो चार्जेस की सेपरेशन लेंथ के बराबर नहीं होगी, चार्जेस की सेपरेशन लेंथ से बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब मुझे एल की बजाय नई लेंथ लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को, फिर मुझे वो नई लेंथ लिखनी पड़ेगी। आप उन्होंने तो कह दिया कि ये जो एक्सटेंशन है वो नेग्लिजिबल है, तो फिर तो मैं नई लेंथ को भी पुरानी लेंथ के ही बराबर मान के चल रहा हूं ऑलमोस्ट। थोड़ी तो ज्यादा है ही है, x ज्यादा है, लेकिन फिर भी। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 29। पार्टिकल ए हैज चार्ज 2 × 10⁻⁶ कूलम। एक पार्टिकल का चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम। बेटा देख, थोड़ी सी ना मिसप्रिंट हो रही है, मैंने फोटो स्टेट निकाल ली थी, पूरी बुक लेकर के कौन खड़ा होता। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में पावर या कुछ पढ़ने में मैं हटा के लिख दूं, मेथड पूरा सिखा दूंगा। वैसे कोशिश तो ये करूंगा कि सही सही लिखा जाए, लेकिन यदि कोई डिजिट मैंने पढ़ने में गलत पढ़ ली तो आप उसे मॉडिफाई कर देना। तो एक पार्टिकल है ए जिसका चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम, जैसा कि मुझे दिख रहा है, फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक टेबल के ऊपर फिक्स है, यानी ये हिल नहीं सकता है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, फिक्स है। एक दूसरा पार्टिकल जिसका मास है 80 ग्राम यानी कि 0.08 केजी, स्टेज इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल। भैया एक बात सुन, ये चार्ज है क्यू, यहां चार्ज मान लो क्यू डैश, वो स्टेबल कैसे हो सकता है, रुक कैसे रह सकता है। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी। यदि ये बेटा ये दोनों प्लस प्लस है तो रिपल्सन भी हो सकता है, और ये प्लस और ये माइनस है तो अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो रुकना तो था ही नहीं, या तो इसे भागना था या फिर इसे पास आना था। लेकिन बात अभी खत्म कहां हुई, ये कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, तो बताइए मैक्सिमम लिमिट इस चार्ज की क्या होनी चाहिए। एक बात सुन, पहले मैं इसे पॉजिटिव मान के बताऊं, यदि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करेगा, तो रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। यदि चार्ज को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। कब तक, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन ना हो जाए। यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग गया तो ये भाग जाएगा, फिर मामला खत्म। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मैक्सिमम लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा से ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो गया तो भैया फिर तो इसका भागना पक्का, फिर ना कोई रोक सके इसे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा यदि ये नेगेटिव होता तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता और तब फ्रिक्शन इधर लगता, कहानी तब भी वही होती कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये जानता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4π0 q × q′ / अब दोनों के डिस्टेंस क्या है ये पढ़ लिया जाए। 29, ये 80 ग्राम एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर यानी कि बेटा 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये होगा 0.1 का होल स्क्वायर। तो 1/4π0 पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और डिस्टेंस का स्क्वायर। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी हॉरिजॉन्टल टेबल पर, क्लास 11 है, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है। तो इसमें मुझे क्या क्या दे दिया, मुझे दे दिया 1/4π0 की वैल्यू 9 × 10⁹, जो फिक्स चार्ज है 2 × 10⁻⁶, डिस्टेंस है दोनों की 0.1 मीटर,
म्यू की वैल्यू है 0.2, मास है 80 ग्राम यानी 0.08 केजी, जी की वैल्यू है 9.8। सारा सॉल्व करके आप क्यू डैश निकाल लोगे। ये जो क्यू डैश है ये मैक्सिमम क्यू डैश है, कितना आ रहा है इन्होंने निकाल रखा, और मैं वहीं से लिख दूं कैलकुलेशन में क्या टाइम लगाना, 29 है ये ना, 8.71 इंटू 10^-6 कूलम है शायद। तो जो भी दे रखा है इन्होंने चार्ज, ये चार्ज आ गया ठीक है, क्यू डैश आ गया, लेकिन ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, तो प्लस माइनस आप लगा देना भैया, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, रिपल्सन में भी ये लास्ट लिमिट है और अट्रैक्शन में भी लास्ट लिमिट है। क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिकल ए हैविंग चार्ज 2×10^-6 कूलम, एक पार्टिकल है इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर जिसका चार्ज दे रखा है 2×10^-6 कूलम और मास दे रखा है 100 ग्राम यानी 0.1 केजी। इट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है। तो वो कह रहे हैं वेयर शुड अनदर चार्ज पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड, यहां पर कितनी दूर सेम चार्ज और मास रखें, मतलब चार्ज भी इसका यही है और मास भी यही है, जो नीचे लिखा हुआ है वो ये है, रखें सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तुम्हें मालूम है फ्रिक्शन तो है नहीं, नीचे कौन खींचता है mg sin थीटा कंपोनेंट, और इधर कौन दबाता है mg cos थीटा कंपोनेंट। mg cos थीटा जब टेबल को दबाता है तो रिएक्शन लगती है, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सर, ये प्लस ने प्लस को रिपेल किया, सिमिलर चार्जेस है। mg cos थीटा और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, यदि mg sin थीटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी बराबर हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mg sin थीटा बराबर, r और mg cos थीटा तो होते ही हैं इक्वल, फ्रिक्शन नहीं है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 q²/r², ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, दोनों चार्ज q है सेम है तो q² और डिस्टेंस r है तो r², ये बराबर होना चाहिए। mg sin 30 के बेटा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, आपको r बतानी है, ये निकालना है, बस ये एक बार चेक कर ले कि बाकी सब पता है या नहीं। q की वैल्यू नोन है, 1/4πε0 नोन है, मास की वैल्यू नोन है, g की वैल्यू 9.8 नोन है, sin 30 हाफ नोन है, तो एक ही वेरिएबल रह गया, सॉल्व हो जाएगा। 31st अभी करता हूं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 31st बोर्ड कंप्लीट हो गया था तो उसे रब करने के लिए रुका था। 31st में देखो बेटा एक बात बताऊं, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट लगेगा डिफरेंशियल इंटीग्रल वाला। यदि आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता है, आप बायो स्टूडेंट्स हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरे चैनल सिपमी डिजिटल क्लासेस पर प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर डिफरेंशियल और इंटीग्रल नाम से एक प्लेलिस्ट है, काफी नीचे को जाकर के मिलेगी मैथमेटिकल टूल्स में, उसे ओपन करके आप डिफरेंशियल इंटीग्रल सारे पढ़ लो यदि नहीं आते तो, और यदि आते हैं तो सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा वाले पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमा मिनिमा की तो वो मैंने पहले ही बता दिया, एक सिंपल हार्मोनिक वो अगले वाले में पड़ेगी। 31st है, टू चार्ज पार्टिकल क्यू ईच प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट, ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है। वेयर शुड अ थर्ड पार्टिकल क्यू बी प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एबी सो दैट इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स। वो कह रहे हैं बेटा इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर तीसरा चार्ज कहां रखें कि उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे। भाई ये एक्स बता रहा है, एक्स एक वेरिएबल है, आपकी मर्जी यहां रखो यहां रखो यहां रखो कहीं भी रखो, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन फोर्स मैक्सिमम लगना चाहिए। तो मेरे बेटा चल भाई करते हैं, ये हो गया डी बाई टू बाइसेक्टर है, ये भी डी बाई टू, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है,
तो मान लो मैंने यहां रख दिया, यहां फोर्स मैक्सिमम है, तो लेकिन यहां तो दो फोर्स है, एक तो बेटा ये क्यू ने स्मॉल क्यू को रिपेल किया और एक इस क्यू ने स्मॉल क्यू को रिपेल किया, दोनों सेम फोर्स से ही रिपेल करेंगे। क्यों सेम फोर्स से भाई, किस लिए सेम फोर्स से रिपेल करेंगे? जितना चार्ज यहां उतना यहां, जो डिस्टेंस इधर वही डिस्टेंस इधर, डिस्टेंस यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर है और डिस्टेंस यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर है। तो ये फोर्स है कितने, पहले तो ये पता लगाओ कि ये अलग अलग फोर्स कितने हैं, फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये फोर्स है इन दोनों के बीच का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, ये है हमारा फोर्स। समझ में आ गया, ये फोर्स है। अच्छा इसमें कितना फोर्स है, वही चार्ज वही डिस्टेंस वही सब कुछ, तो यही फोर्स है। क्या करा जाए, इस एंगल को थीटा मान लो, तो ये भी थीटा है भाई, कॉम्पोनेंट ट्रायंगल्स हैं, ये साइड इसके बराबर, ये 90-90, ये कॉमन, तो ये थीटा और ये दोनों भी थीटा हो गए। अब एफ के दो कंपोनेंट करो इस एफ के, ये कितना होगा बेटा एफ कॉस थीटा और इधर क्या होगा एफ साइन थीटा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे एफ कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा, तो नेट फोर्स कितना होगा भैया, एफ साइन थीटा से एफ साइन थीटा तो कट गया, ये तो इक्वल एंड अपोजिट है और ये दोनों जुड़ गए, तो नेट फोर्स होगा 2f cos थीटा, नेट फोर्स होगा 2f cos थीटा, यानी कि नेट फोर्स होगा 2 इंटू एफ, एफ क्या था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, ये हो गया f। अब cos थीटा भाई, ये थीटा सेम है, तो cos थीटा यहां से निकाल लो बेस अपॉन हाइपनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपनस, यानी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, cos थीटा भी आ गया, तो ये कितना बना 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टू द 4 हो गया क्यू क्यू डन एक्स अपॉन ओके एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर 3/2, भाई इसकी पावर 1 है और ये अंडर रूट का मतलब पावर हाफ है, पावर 1 और पावर हाफ मिलकर के हो गई पावर 3/2, ये नेट फोर्स मेरा आ गया। ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए भाई। अब ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशियल जीरो होगा। कोई भी फोर्स मिनिमम तब होता है, कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमा या मिनिमा तब होती है जब उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। तो मैं इसमें इसके डिफरेंशियल को जीरो रख रहा हूं। अब जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये तो सब कॉन्स्टेंट्स है, ये डिफरेंशियल से बाहर आएंगे और बाहर आके जीरो के नीचे फेंक दूंगा, तो वो तो हो जाएंगे खत्म, रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर 3/2। कभी मैंने कहा था डिफरेंशियल इंटीग्रल की नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। अब यहां लगेगा क्वोशेंट रूल, न्यूमरेटर भी एक वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी एक वेरिएबल है, तो मैं फॉर्मूले बता दूं जरा एक दो। यदि कभी डिफरेंशियल ऑफ ए अपॉन बी हो तो ये होता है बी डिफरेंशियल ऑफ ए माइनस ए डिफरेंशियल ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को नोट कर लो यदि ना पता हो तो, बी डिफरेंशियल ऑफ ए माइनस ए डिफरेंशियल ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। जैसे कोई मुझसे कहे टेन थीटा का डिफरेंशियल बताना, तो मैं वैसे तो पता है sec square theta, लेकिन मैं sin theta upon cos theta करके रूल लगा रहा हूं। पहले cos theta b डिफरेंशियल ऑफ sin theta b cos theta माइनस, अब न्यूमिनेटर sin theta cos theta का डिफरेंशियल माइनस sin theta, तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस sin theta माइनस से माइनस, और नीचे b का स्क्वायर यानी cos square theta, क्या आ गया ओरली बताना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। एक तो ये बात याद रखना, दूसरा यदि आपको डिफरेंशियल करना हो
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, पहले ही बता रहा हूं कि पावर थ्री बाई टू। तो डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, यानी कि थ्री बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस वन, यानी कि बेटा वन बाई टू। ये होगा नहीं, अब इसमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल यानी कि टू एक्स और मल्टीप्लाई होगा। तभी कह रहा था कि डिफरेंशियल की नॉलेज ले लो, ये पहले बता दिया एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन तो लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। आ जाए मैं इससे पहले कॉपी कर लू, डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू इज जीरो, यही था ना एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जरा इसको कंपेयर करो ए अपॉन बी से, ये है ए ये है बी, तो पहले बी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू, बी डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर का क्यूब, क्योंकि ये थ्री बाई टू था पावर स्क्वायर होके वो हो गया, इट इज इक्वल टू जीरो। अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं, इसको खत्म करने का तरीका है इसे जीरो में मल्टीप्लाई कर दो, ये तो गया जीरो में मल्टीप्लाई होके इसका काम ही खत्म हो गया। अब क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू, डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज वन, अब इसका डिफरेंशियल थ्री बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर हाफ एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर का डिफरेंशियल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, धीरे धीरे हम आंसर के नजदीक आ रहे हैं, ये जो सारी क्रम है निगेटिव को जीरो राइट साइड में ले जाके पॉजिटिव बना लो, तो आपको ये मिल जाएगा राइट साइड में आके। अब तो कटिंग फिटिंग चल रही है, ये जो पावर हाफ है इसे इसके नीचे ले जाओ तो ये पावर माइनस हाफ हो जाएगी, तो क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, यानी वन, और पावर वन तो फिर वन ही हो गया। इधर क्या बचा, टू से टू कट गया, ये बच गया थ्री एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास इस एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओ तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई फोर, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर बाई एट, तो एक्स आ जाएगा डी अपॉन टू रूट टू, यानी बेटा एक्स की वैल्यू है डी अपॉन टू रूट टू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 ही है ना, हाँ 31 में बेटा आपका आंसर दिया हुआ है पहले पार्ट का डी अपॉन टू रूट टू, तो एक्स आ गया। अब वो कह रहे हैं कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है नेट फोर्स की, वो तो मिल गया कि एक्स इज इक्वल टू डी बाई टू रूट टू पे रख दो, एक्स की वैल्यू डी बाई टू रूट टू रख दो, मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम फोर्स है कितना, तो अब आपका काम है एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें पता है एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन टू रूट टू, एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन टू रूट टू पर मैक्सिमम है, तो यदि मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो एक्स की जगह डी बाई टू रूट टू रख दो, तो इसका स्क्वायर करके हो जाएगा डी स्क्वायर बाई एट, मतलब इसे सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन और नहीं लगा रहा, आपको मेथड आ गया, इसमें पुट करके आप नेट फोर्स निकाल लोगे। तो भैया यदि लगातार आप लोगों को पढ़ाई करनी है पूरी एच सी वर्मा की, तो हर रोज का वीडियो रोज देखिए, पेंडिंग पे मत डालिए। बाय बाय।